हेलो एवरीवन, फिन स्टॉक्स में आपका स्वागत है। जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी ट्रेड की वीडियो मिस ना हो। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा स्टॉक जो है वो है टाटा मोटर्स। जी हाँ, टाटा मोटर्स एक अच्छे खासे लेवल पे आ चुका है और आपको एक अच्छी खासी थोड़ी सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। बात करेंगे स्टॉक की ब्रीफिंग की और बाय होल्ड और सेल लेवल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं आ जाऊंगा आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेकर। एनएससी की वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। अगर बात करें आज के कारोबार की, तो आपको आज के कारोबार के बीच में जो है 6 रुपीज का गैपिंग देखने को मिल सकता है। यानी मार्केट ओपन हुआ था टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो 313.85 का एक लो लगाता है। अगर हाई की बात करें तो 319 का एक हाई लगा रहा है। अगर बात करें क्लोजिंग बेसिस पे तो आपको 314.90 की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 0.98% रुपीज पॉजिटिव में ट्रेड हुआ है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी की, वॉल्यूम कितना उठाया गया, तो 18% की डिलीवरी परसेंट आपको देखने को मिल रही है। अगर वहीं बात करें ट्रेडेड क्वांटिटी की तो 3 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। बात करें डिलीवरी परसेंटेज में, डिलीवरी नंबर ऑफ डिलीवरी डिलीवर्ड क्वांटिटी के, तो 61 लाख की ट्रेडिंग उठाई है। यहाँ पे ये आपको एक नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है डिलीवरी बेसिस पे। अब हम लोग आ जाएंगे टाटा मोटर्स के चार्ट पे, थोड़ा सा चार्ट एनालाइज करेंगे। मैं यहाँ पे 1 डे की कैंडल लगा देता हूँ। 1 डे की कैंडल पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी वीक कैंडल देखने को मिल रही है। ये कैंडल थोड़ी सी वीक, पिछली कैंडल से ये वीक कैंडल है। यहाँ पे आपको एक नेगेटिव ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई किसी को बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई ढूंढ रहा है, तो किसी को अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाई करना है तो आप 300 के लेवल या 300 से थोड़ा सा नीचे जाने का वेट करें। वहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिलेगा, वहां पे आपको लिए बाई करना बहुत अच्छी बात होगी। अब हम लोग आ जाएंगे इंट्राडे लेवल के लिए। मैंने 1 आवर की कैंडल लगा दी है। अगर मैं बात करूं 1 आवर की कैंडल पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 318 रुपये या 319 रुपये के आसपास एक आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। देख सकते हो आप, ये कैंडल 3 कैंडल बनाई और इस लेवल को तोड़ने का कोशिश किया, बट ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने इससे ब्रेक कर डाउन करने की कोशिश की, बट ब्रेक डाउन हो नहीं पाया। और आपको देखने को मिल रहा है जैसे ये कैंडल बनी है आज की, वैसी सेम कैंडल आपको डे बेसिस पे आज की कैंडल है वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाकर और आपको एक लो क्लोजिंग पे इसने पहुंचा दिया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। डे टेक्निकल और ओवरऑल टेक्निकल की बात करेंगे। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे टेक्निकल सिग्नल जो है वेरी बुलिश देखने को मिल सकता है डे बेसिस पे। अगर हम लोग आ जाए यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दें डेली बेसिस की, तो मूविंग एवरेज जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, डे बेसिस में लगा दे रहा हूँ, डे बेसिस मैंने लगा दिया, डेली बेसिस पे आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे डे बुलिश देखने को मिल जाएगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो बुलिश देखने को मिल रहा है। अगर बात करें मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की, तो वो भी यहाँ पे आपको बुलिशनेस शो कर रहा है। अगर हम बात करें वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बुलिश है। मूविंग एवरेज जो है वो बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी बुलिश यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें मंथली बेसिस पे, तो मंथली बेसिस पे आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है बुलिश देखने को मिल रहा है, मूविंग टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश देखने को मिल रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी आपको न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करें सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल के, तो आपको अगर स्विंग लेवल पे देखना है, यानी मंथली टू वीकली लेवल पे देखना है, तो आपको रेसिस्टेंस 1 जो बन के आ रहा है वो 316 का बन के आ रहा है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर मंथली पूरे मंथ की अगर सर्कुलेशन की बात करें वहां पे, अगर बात करें रेसिस्टेंस 2 की, तो वो आपका 327 का लेवल बन के आ रहा है, जहां पे आपको एक और रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर बात करें R3 की, तो रेसिस्टेंस 3 की, तो वहां पे आपको 344 का जो लेवल है, जिस लेवल को ये कंपनी बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है और नहीं हो पा रहे, वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करें सपोर्ट लेवल की, तो S1 की अगर बात करें, तो वहां पे आपको 300 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर बात करें S2 के, तो 282 का सपोर्ट बन के आ रहा है। और अगर बात करें S3 की, तो वो आपका 272 रुपीज का बन के आ रहा है। अब हमें क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बाई करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को कब बाई करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बाई करने के लिए आपको 300 के लेवल से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर किसी को स्विंग लेवल में बाई करना है, तो 300 लेवल पे आप एकदम अच्छे से बाई करना शुरू कर सकते हो। अब बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी का जो हमारा चल रहा है आज, RSI इंडेक्स पे अगर डिस्कशन करें, तो कंपनी का RSI इंडेक्स आप देख सकते हो, डे बेसिस पे मैं लगा देता हूँ। RSI इंडेक्स देखा जाए तो 53 का RSI इंडेक्स है, काफी अच्छा RSI इंडेक्स है। यानी RSI इंडेक्स में अभी ये कंपनी के ऊपर जाने के आसार बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दे दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।